हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को, जिन मूवी की स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग और ट्विस्ट और टर्न ने सभी को आकर्षित किया। इस वीडियो में हम पूरी मूवी को समझेंगे और उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द सिक्स्थ डे। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने एक भेड़ की हमशक्ल यानी क्लोन बनाई थी। इसके बाद इंसानों के भी हमशक्ल बनाने की कोशिश की गई थी, पर लोगों ने इसका विरोध किया था और कोर्ट ने भी इंसानों के हमशक्ल बनाने पर रोक लगा दी थी। मूवी के अगले सीन में हमें एक रग्बी मैच दिखाया जाता है, जिसमें मैच के दौरान जॉनी नाम के एक प्लेयर को चोट आ जाती है और वो रग्बी का स्टार प्लेयर था। जॉनी को एम्बुलेंस में चढ़ाते हैं और एम्बुलेंस में जॉनी के पास जो आदमी था वो अपने बॉस से बात कर रहा था। बॉस, जॉनी को गहरी चोट आई है और वो अब हमारे किसी काम का नहीं है। सामने से बॉस बोलता है, ठीक है, तुम उसे हार्ट अटैक करवा दो ताकि हम उसका हमशक्ल बनवा सके। और एम्बुलेंस में बैठा वही आदमी जॉनी का सपोर्ट सिस्टम बंद कर देता है ताकि जॉनी को हार्ट अटैक आ जाए। और जॉनी को हार्ट अटैक आ गया था और वो अब मर चुका था। मूवी के अगले सीन में हम एडम को देखते हैं, जो कि अपने घर में था। वो शीशा देख रहा था और अपनी वाइफ से बात भी कर रहा था। यहाँ एक डिजिटल डिस्प्ले ग्लास था, जिसमें एडम न्यूज अपडेट और रोज के रूटीन को चेक कर रहा था। इस ग्लास में न्यूज आ रही थी कि जॉनी को मैच के दौरान चोट आई है, पर वो अपने अगले मैच में ठीक होकर फिर हिस्सा लेंगे। ये जॉनी वही प्लेयर था जो मैच के दौरान मर चुका था। डिजिटल डिस्प्ले ग्लास में एडम अपने दिन के शेड्यूल को भी देखता है। गुड मॉर्निंग एडम, आज 11 बजे बिजनेसमैन माइकल डकर को आपके हेलीकॉप्टर की जरूरत है और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तभी एडम की बेटी क्लेरा रूम में आ जाती है और एडम बेटी के साथ नाश्ते की टेबल पर चला जाता है। क्लेरा बोलती है, डैडी आज आप मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे? एडम बोलता है, तुम्हें गिफ्ट चाहिए, वो भी मेरे बर्थडे पे। एडम की बेटी क्लेरा बोलती है, मुझे सिंपल चाहिए, ये एक बहुत बड़ी गुड़िया है, इस गुड़िया के बाल भी बढ़ते हैं, मेरे सारे दोस्तों के पास सिंपल है। एडम बोलता है, अगर तुम्हारी मम्मी कहे तो मैं तुम्हें ये लाकर दे दूंगा। यह सुनकर क्लेरा खुश हो जाती है और बोलती है, मम्मी ने तो पहले ही हाँ कर दी है, और वहाँ से चली जाती है। मूवी के अगले सीन में एडम अपने दोस्त हैंग के साथ काम पर जा रहा था और कार में वो जाने के लिए हवाई अड्डे की लोकेशन चुनते हैं, क्योंकि ये एक ड्राइवरलेस कार थी। कार में एडम और हैंग हवाई अड्डे में अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां पर एडम के साथ काम करने वाली लेडी एडम को एक रिमोट मशीन दिखाती है, जिस रिमोट की सहायता से हेलीकॉप्टर को चलाया जा सकता था। एडम हैंग को भी वो दिखाता है, पर हैंग बोलता है, छोड़ो उसे, इससे मिलो, ये पिट है जो आज हमारे साथ ट्रिप पर जाने वाला है। एडम ट्रिप से मिलता है और तभी एडम को उसकी वाइफ नेटली का फोन आता है। नेटली थोड़ी परेशान थी और वो एडम को बोलती है, मैंने अभी कुत्तों के डॉक्टर से बात की और उन्हें ओलिवर को मौत की नींद सुलाना पड़ा। एडम बोलता है, तो फिर तो इससे क्लेरा दुखी होगी। नेटली बोलती है, पर मैं चाहती हूँ तुम रिपेट सेंटर जाओ और वहां पर जाकर ओलिवर का हमशक्ल बना लाओ। एडम बोलता है, देखो मैं किसी वैज्ञानिक कुत्ते को अपनी बेटी के साथ नहीं छोड़ सकता, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, हम पैदा होते हैं और हम मरते हैं, और इस सच्चाई को वो जितनी जल्दी समझ ले उसके लिए ही अच्छा होगा। नेटली बोलती है, तुम रिपेयर सेंटर जाओगे और मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और ऐसा कहकर वो फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। मूवी के अगले सीन में एडम और हैंक अपने हेलीकॉप्टर में थे और हैंक बोलता है, यार तुम कहाँ पुराने जमाने में पड़े हो, आजकल के बच्चे वैज्ञानिक पालतू के बीच पले बड़े हैं, ये बहुत आम बात है। पर एडम हैंक की बातों को नहीं मानता, क्योंकि वो हमशक्ल जानवरों के खिलाफ था। एडम और हैंक वापस हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं और वो अपने ऑफिस में जाते हैं। वहां पर ब्लड टेस्ट मशीन के पास माइकल का आदमी खड़ा था और वो एडम को मशीन पर अंगूठा रखने को कहता है, और बाद में एडम की आंखों को मशीन के लेंस के सामने रखने को कहता है। एडम बोलता है, क्या आप सारे पायलट्स का ब्लड टेस्ट करते हो? माइकल का आदमी बोलता है, हाँ, पायलट, ड्राइवर, सुरक्षा अधिकारी, जो जो मिस्टर माइकल के संपर्क में आते हैं हम उन सभी का ब्लड टेस्ट करते हैं। और उसके बाद वो आदमी हैंग का भी ब्लड टेस्ट लेता है और माइकल का आदमी वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, माइकल डकर एक बड़ा बिजनेसमैन था और एडम और हैंक उनको हेलीकॉप्टर में ट्रिप पर ले जाने वाले थे, और इसलिए माइकल के आदमी एडम और हैंक का ब्लड टेस्ट लेते हैं और वो बोलते हैं उन्होंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए उनका ब्लड टेस्ट लिया है। हैंक एडम को बोलता है, मैं माइकल को हेलीकॉप्टर में ले जाता हूँ, तुम अपने कुत्ते का हमशक्ल बनवा लो। एडम बोलता है, मैं कुत्ते का हमशक्ल नहीं बनवाने वाला, मैं बस वो जगह जाकर देखने वाला हूँ। एडम और हैंक की बातें सुनकर उनके साथ काम करने वाली लड़की बोलती है, उन्होंने खास तौर पर इस काम के लिए एडम को बुलाया है। हैंक बोलता है, पता है, पर माइकल के आदमी एडम और मुझ में फर्क नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं एडम की जगह चला जाता हूँ। एडम हैंक की इस बात को मान लेता है
है। मूवी के अगले सीन में बिजनेसमैन माइकल डकर हवाई अड्डे पर आ गया था और हैंक माइकल से मिलकर अपना नाम एडम बताता है और उसके बाद हैंक माइकल को अपने हेलीकॉप्टर में लेकर बर्फीले पहाड़ों पर जाकर प्लेन लैंड करवाता है। तभी ट्रिप वहां पर आकर हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों पर गोली चला देता है। मूवी के अगले सीन में हम देख पाते कि एडम टैक्सी में सोया था और टैक्सी ड्राइवर एडम को उठाकर बोलता है, सर उठिए, आपका स्टॉप आ गया है। एडम अपना पेमेंट करके टैक्सी से उतरकर रिपेट शोरूम के अंदर एंटर होता है। यह शोरूम पालतू जानवरों का हमशक्ल बनवाने का शोरूम था। शोरूम में काम करने वाला एक आदमी एडम के पास आके बोलता है, अभी तक भी तय नहीं कर पा रहे आप, आपका कुत्ता मरा था ना, सही कह रहा हूँ ना मैं? एडम बोलता है हाँ। वो आदमी बोलता है, क्या नाम था आपके कुत्ते का और उसकी मौत कब हुई थी? एडम बोलता है, उसका नाम ओलिवर था और उसकी मौत आज सुबह ही हुई थी। शोरूम में काम करने वाला आदमी बोलता है, फिर तो हमें तुरंत उसके दिमाग से सारी जानकारी हासिल करनी होगी क्योंकि 12 घंटे बाद उसका दिमाग हमारे किसी काम का नहीं होगा। एडम बोलता है, मैं इस बारे में थोड़ा सोचूंगा। एडम शोरूम में एक डॉल देखता है। ये वही डॉल थी जिसे लाने की जिद एडम की बेटी क्लेरा कर रही थी। एडम को ये गुड़िया बहुत पसंद आ रही थी और एडम उस डॉल को खरीद लेता है। एडम उस डॉल को लेकर अपने घर पर पहुंचता है और घर के बाहर ही ओलिवर उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। ओलिवर को देखकर एडम चौंक गया था और फिर वो सोचता शायद नेटली अब उसका हमशक्ल बनवाकर ले आई है। एडम अपने घर के अंदर इंटर हो ही रहा था और तभी उसे सुनाई आता है कि घर के अंदर के सारे लोग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे, पर जिसका बर्थडे था वो तो घर के बाहर था और वो एडम था। एडम को ये सब कुछ अजीब लगता है और वो घर की खिड़की से घर के अंदर झांकता है तो वहां देखता है कि उसका हमशक्ल हूबहू उसी की तरह दिखने वाला इंसान उसकी फैमिली के साथ और लोगों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। और जो डॉल एडम अपनी बेटी क्लेरा के लिए लेकर आया था वैसी की वैसी डॉल रूम में चेयर पर पड़ी थी। एडम ये सब देखकर चौंक गया था और वो अपने घर के अंदर इंटर होने ही वाला था कि तभी एडम के पास एक आदमी और एक लेडी आती है। एडम उनसे पूछता है, कौन हो आप लोग और ये सब हो क्या रहा है? वो आदमी बोलता है, आप हमारा कहना मानिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एडम बोलता है, ठीक हो जाएगा? कोई मेरे घर में मेरे ही परिवार के साथ मेरा ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। और तभी वहाँ खड़ी लेडी बोलती है, हमें पता है इंसानी हमशक्ल बनाने का कानून तोड़ा गया है, एक इंसान का हमशक्ल बनाया गया है और वो आप है। एडम बोलता है, तुम लोग कौन हो? मैं ये सब नहीं जानता, मैं अपने घर में जा रहा हूँ। तभी पीछे खड़ी लेडी एडम को हथियार से शॉक देती है और एडम बेहोश हो जाता है। वो आदमी और वो लेडी एडम को खींचते हुए घर से दूर ले जा रहे थे। तभी एडम को होश आ गया था और वो उस लेडी से उस शॉक देने वाली मशीन को लेकर उस आदमी को शॉक देकर वहां से भागने लगता है। तभी कार में बैठा एक और आदमी कार से निकलकर एडम पर हमला कर रहा था। एडम बचते हुए निकलकर गैराज में पड़ी अपनी ही कार लेकर वहां से निकल जाता है और उसकी कार में वह लेडी भी जंप करके आ जाती है। वो लेडी एडम के सर पर गन रखकर एडम को कार रोकने को कहती है, पर एडम उसकी गन छीनकर फिर गाड़ी चलाने लगता है। एडम का पीछा उस समय दूसरी गाड़ी में बैठे लोग भी कर रहे थे। तभी एडम उस लड़की से पूछता है, तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है, मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा, तुम्हारा हमशक्ल तुमसे पहले तुम्हारे घर पर पहुंच गया था, उसने तुम्हें नहीं देखा, अब वो तुम्हारी जिंदगी जिएगा, तुम्हारे बीबी बच्चों को इसका पता भी नहीं चलेगा, और अगर तुम्हारे बीबी बच्चों को उसका पता चला तो वो मार दिए जाएंगे। एडम का पीछा दूसरी कार भी कर रही थी और उसमें से एक आदमी गन से फायर करता है जिसका गन शॉट उस लेडी को आकर लगता है और वो लेडी कार से नीचे गिर जाती है। वो आदमी एडम पर फिर से गन फायर कर रहा था पर एडम अपनी कार में ब्रेक लगा देता है और वो आदमी एडम की कार के आगे गिरता है और एडम उस पर गाड़ी चला देता है। आगे जाकर एडम की कार भी एक नदी में गिर जाती है। पीछा करने वाली गाड़ियों में से दो आदमी निकलते हैं और उसमें से एक आदमी दूसरे आदमी को बोलता है, अपने कुछ आदमियों को भेजो इसे ढूंढने के लिए और बिली और तानिया की लाश को लेकर लैब पहुंच जाना। मूवी के अगले सीन में हम किसी पार्टी का सीन देख रहे थे जहां किसी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल की ओपनिंग थी और कई लोग तख्तियां लेकर क्लोनिंग और हमशक्ल बनाने की विधि का विरोध कर रहे थे। वहां पर कुछ रिपोर्टर डॉक्टर वियर से भी प्रश्न कर रहे थे। रिपोर्टर डॉक्टर वियर से पूछते हैं, सर लगभग 10 साल पहले इंसान का हमशक्ल बनाया गया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर वियर बोलते हैं, हम जानते हैं यह बुरी तरह से नाकाम हुआ था और कोर्ट ने भी इसे नष्ट करने का आदेश दिया था, तभी से इंसानों का हमशक्ल बनाने को गैरकानूनी माना गया। तभी डॉक्टर वियर के पीछे माइकल आ गया था और रिपोर्टर उनसे भी क्वेश्चन करने लग जाते हैं। रिपोर्टर पूछते हैं, तो आपके ख्याल से इस कानून को बदल देना चाहिए? माइकल बोलता है, जरा सोचिए, एक हॉस्पिटल में एक 10 साल का बच्चा लीवर कैंसर से मर रहा है। डॉक्टर वियर उस लीवर को बदलकर उस बच्चे को बचा सकते हैं
और साथी वाले हॉस्पिटल में एक दूसरा बच्चा ब्रेन ट्यूमर से मर रहा है, पर डॉक्टर वियर अब ब्रेन को नहीं बदल सकते। अब हम कैसे कहे उस मरने वाले बच्चे के माता पिता से कि कैंसर से पीड़ित बच्चे को तो हम बचा सकते हैं, पर जो खोज उनके बच्चे को बचा सकती थी उसे रोक दिया गया क्योंकि कुछ लोग इस खोज का विरोध कर रहे थे। और माइकल वहां से चला जाता है। पार्टी में माइकल से जॉनी भी मिलता है जो रग्बी का खिलाड़ी था जो मर चुका था, पर यह इंसान उसका हमशक्ल था जिसे माइकल की कंपनी ने ही बनाया था। एडम पानी से निकलकर पुलिस को यह सब बताता है, पर पुलिस उसकी बात को नहीं मान रही थी और पुलिस बोल रही थी आपने 2 घंटे पहले गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी। एडम बोलता है ये रिपोर्ट मैंने नहीं लिखाई थी, हो सकता है वो मेरे हमशक्ल ने लिखाई हो, ये गाड़ी मैंने ही अपने घर से चुराई थी। तभी वहां पर एक 3D होलोग्राम वकील शो होती है, वो इंस्पेक्टर से बोलती है क्या मेरे क्लाइंट ने गाड़ी चुराई है। तब पुलिस वाला बोलता है ये बोल रहे गाड़ी इन्होंने चुराई है और रिपोर्ट इनके हमशक्ल ने लिखाई है। तब डिजिटल वकील बोलती है समझ गई ये मामला मनोवैज्ञानिक का है। तब वहां पर एक 3D होलोग्राम मनोवैज्ञानिक शो होता है और वो एडम से सवाल करता है, पर एडम उसका जवाब नहीं देता और वो मनोवैज्ञानिक चला जाता है। और उसी वक्त पुलिस वाले की स्क्रीन पर शो हो रहा था कि एडम एक मानसिक रोगी है और वो पुलिस ऑफिसर एडम को ले आकर एक केबिन में इंतजार करने को बोलता है और केबिन को बाहर से बंद कर देता है। तरफ जो आदमी एडम का पीछा कर रहे थे उन्हें मैसेज आता है कि एडम पुलिस स्टेशन में है। वो आदमी रॉबर्ट था और उस वक्त रॉबर्ट डॉक्टर वियर की लैब में था। रॉबर्ट डॉक्टर वियर से बोलता है एडम ने अपने हमशक्लों को देख लिया था, पर कोई बात नहीं वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में है, आप जल्दी से तानिया और विली का हमशक्ल तैयार करो, मुझे उनकी जरूरत है। और लैब में हम देख पाते हैं कि तानिया और विली की डेड बॉडी पड़ी थी और उनके हमशक्ल बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। एक प्रिजर्व बॉडी टैंक से निकाली जा रही थी और उसे तानिया जैसा शेप दिया जा रहा था और उसमें तानिया की सारी मेमोरी डाली जा रही थी। दोस्तों तानिया वही लड़की थी जो माइकल की गाड़ी में थी जिसे गोली लगी थी और वो गाड़ी से नीचे गिर गई थी। और इस सीन में हम देख पा रहे थे कि तानिया की बॉडी की मेमोरी में से सारी याददाश्त निकालकर उसका DNA निकालकर एक प्रिजर्व बॉडी में वो याददाश्त और वो DNA डाला जा रहा था और यही हमशक्ल बनाने की प्रक्रिया थी। अब तानिया की हमशक्ल तैयार हो चुकी थी और वो अपने आसपास खड़े डॉक्टर्स को और रॉबर्ट को देखकर बोलती है छोड़ूंगी नहीं मैं उस विली को, उसने मुझ पर गोली चलाई थी। रॉबर्ट तानिया के हमशक्ल से बोलता है एडम को तुमने क्या क्या बताया। तानिया बोलती है मैंने उसे बताया कि उसका हमशक्ल बनाया गया है और अगर वो अपनी फैमिली के पास गया तो उसको और उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। मूवी के अगले सीन में एडम जो पुलिस स्टेशन में एक रूम में बंद था वो खिड़की से देख लेता है कि जो आदमी उसका पीछा कर रहे थे वो पुलिस स्टेशन के बाहर थे। रूम की दीवार में एक LED लगी थी। एडम इस LED को देखता है तो वहाँ एक डिजिटल ग्लास था जिसके पीछे एक दूसरा रूम था। एडम उस ग्लास को तोड़कर दूसरे रूम से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर एडम को विली मिलता है जो कि मर चुका था, जिसके ऊपर एडम ने ही गाड़ी चलाई थी, पर यह विली उसका हमशक्ल था जिसे डॉक्टर वियर ने ही तान्या के साथ तैयार किया था। एडम विली के हमशक्ल से बोलता है तुम तो मर चुके थे। विली उस पर गन अड़ा के बोलता है मरना तो अब तुम्हें है। एडम विली की गर्दन पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसी वक्त विली के हाथ से फायर हो जाता है। पुलिस भी वहां पर आ जाती है पर एडम वहां से निकल गया था। रॉबर्ट वापस विली की बॉडी को वहां से उठाकर ले जाने लगता है और वो पुलिस वालों से कहता है इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मूवी के अगले सीन में एडम अपने दोस्त हैंक के घर जाकर हैंक से पूछता है क्या वो लोग यहाँ पर आए थे। हैंक पूछता है कौन लोग। एडम हैंक को उसके हमशक्ल के बारे में बताता है पर हैंक एडम की बात को नहीं मानता। फिर एडम हैंक को ले जाकर अपने हमशक्ल को दिखाता है और एडम हैंक से बोलता है मुझे इसे मारकर अपनी जिंदगी वापस लेनी होगी। और ऐसा बोलकर एडम अपने हमशक्ल को मारने वाला था पर वह उसे मार नहीं पाता और वो हैंक से बोलता है मैं उसे नहीं मार सकता। तभी वहाँ एडम की वाइफ आ गई थी जो एडम के हमशक्ल को गैराज में ले जाकर उससे रोमांस करने लगती है। ये सब देखकर एडम दुखी होता है और उसी समय एडम की बच्ची क्लेरा उसके पीछे आ गई थी। एडम अपनी बच्ची को अपने घर में ले जाकर सुलाता है और वो हैंक से बोलता है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर हमें यहाँ पर उन्होंने देख लिया तो वो मेरी फैमिली को और मुझे दोनों को खत्म कर देंगे। मूवी के अगले सीन में एडम हैंक के घर में था और वो दोनों इस बारे में बात कर रहे थे तभी हैंक पर कोई गन से शूट करता है। ये आदमी पिट था जो वहां से भाग जाता है। एडम भी पिट का पीछा कर रहा था और पार्किंग एरिया में पिट की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एडम पीट से पूछता है तुमने हैंक को क्यों मारा। पीट एडम को बताता है हैंक ईश्वर का बनाया हुआ इंसान नहीं था, वो उसका हमशक्ल था। तुम्हारा दोस्त आज दोपहर में ही मर गया था और मैंने ही उसे मारा था जब मैंने माइकल डकर को मारा था। एडम बोलता है माइकल नहीं मरा, अगर वो मरता तो सारी दुनिया में खबर फैल जाती। पीट बोलता है तुम अपनी आंखें खोलो, माइकल एक वैज्ञानिक इंसान है। डॉक्टर वियर ने ही माइकल और तुम्हारे दोस्त हैंक का हमशक्ल बनाया था
और उन्होंने तुम्हारा भी हमशक्ल बनाया था। तभी वहाँ माइकल के आदमियों की गाड़ी आ गई थी और उसे देखकर पिट एडम को बोलता है, तुम मेरे सर पर शूट करो। एडम बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? पिट बोलता है, मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर वियर की लैब में हैं और मैं उनके हाथ लगा तो वो मेरे दिमाग से जानकारी निकाल लेंगे। ऐसा कहकर पिट एडम की गन से अपने ही सर पर शूट कर लेता है। कार में रॉबर्ट और तानिया थे जो एडम पर हमला कर रहे थे और एडम कहीं पर जाकर छुप गया था। कार से उतरकर तानिया और रॉबर्ट उसे ढूंढ रहे थे, तभी अचानक कहीं से निकलकर एडम तानिया पर हमला कर देता है और उसके बाद वह रॉबर्ट पर भी हमला कर देता है, जिससे रॉबर्ट का पांव और तानिया का अंगूठा टूट जाता है। एडम तानिया के अंगूठे को लेकर तानिया की कार को वहां से ले जाता है, क्योंकि यहां एक एडवांस कार थी और अंगूठे के निशान से ही गाड़ी स्टार्ट हो रही थी और गाड़ी स्टार्ट करकर एडम वहां से चला गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर वियर की वाइफ बीमार थी और वो मरने वाली थी। डॉक्टर वियर अपनी वाइफ को अपनी लैब में ले जाने को बोलते हैं ताकि वो अपनी वाइफ का हमशक्ल बना सके, लेकिन डॉक्टर वियर की वाइफ इस बात को नहीं मानती और बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं अब मरना चाहती हूँ। मूवी के अगले सीन में एडम माइकल की कंपनी में था और गेट में एंटर होने से पहले वह तान्या का अंगूठा यूज कर रहा था। डॉक्टर वियर भी उसी बिल्डिंग में अपने ऑफिस में थे और उन्हें याद आता है कि उनकी बीबी को ऐसी बीमारी थी जिससे बचपन में ही मौत हो जाती है। फिर डॉक्टर वियर को याद आता है कि उनकी वाइफ ने उनसे कहा था, तुमने वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कर मेरी उम्र को 5 साल बढ़ा दिया, जो कि मेरे लिए अनमोल थे। और इस सीन को देखकर हमें पता चलता है कि डॉक्टर वियर की वाइफ 5 साल पहले ही मर चुकी थी और जो डॉक्टर वियर के साथ थी वो उनकी वाइफ की हमशक्ल थी। इसे डॉक्टर वियर ने ही बनाया था, पर उस हमशक्ल को भी एक बीमारी थी जिसके कारण उसकी हमशक्ल 5 साल तक ही जीवित रह सकी। डॉक्टर वियर अपने सारे पेशेंट की लिस्ट देखते हैं, जिसमें जॉनी रग्बी प्लेयर का डेटा देखते हैं, और डॉक्टर वियर को पता चलता है कि जॉनी के हमशक्ल को भी एक बीमारी है जिसके कारण वह 2 साल ही जीवित रह पाएगा। दूसरी तरफ माइकल के आदमी रॉबर्ट तानिया और विली, जिसे एडम ने पुलिस स्टेशन के बाहर ही मार दिया था, उसका हमशक्ल भी माइकल के ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में पहुंचता है, पर सिक्योरिटी गेट पर तानिया का अंगूठा स्कैन नहीं हो रहा था और सिक्योरिटी ऑफिसर बोलता है, मैडम आपकी एंट्री हो चुकी है। रॉबर्ट बोलता है, कब? सिक्योरिटी ऑफिसर बोलते है, 30 मिनट पहले ही आप सुरक्षा इलाके में एंटर हो चुकी हो। तानिया बोलती है, लगता है एडम मेरा अंगूठा लेकर यहाँ पर आया है। रॉबर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर को बोलता है, तानिया की सारी जानकारी नष्ट कर दो और सुरक्षा वालों को आगाह करो। दूसरी तरफ एडम फिर से तानिया के अंगूठे का उपयोग करके लैब के अंदर इंटर होने वाला था, पर इस बार तानिया का अंगूठा स्कैन नहीं होता है। तभी एडम के पास एक आदमी आता है और वह बोलता है, सर आपको कुछ चाहिए? एडम उसकी कनपट्टी पर गन अड़ाकर उसे अंगूठा वहां पर लगाने को बोलता है और डॉक्टर वियर की लैब तक ले जाने को बोलता है। माइकल के आदमी माइकल को बताते कि एडम इस बिल्डिंग में आ चुका है। माइकल बोलता है, तुम 4 मिलकर उस एक आदमी को मार नहीं पाए, उसके बीबी और बच्चे को ले आओ, फिर वो हमारे कब्जे में होगा। हर बार तुम्हारा हमशक्ल बनाने में मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, उस लायक काम तो करो। दूसरी तरफ एडम डॉक्टर वियर की लैब में आ गया था और एडम डॉक्टर वियर को बोलता है, आपने ही मेरा हमशक्ल बनाया था। डॉक्टर वियर बोलते है, हाँ मैंने ही बनाया था। एडम बोलता है, आपने गलत आदमी को चुना, आपने ये सब कैसे किया? डॉक्टर वियर बोलते है, तुम्हारे दिमाग की शक्ति को रिकॉर्ड करके हमने ऐसा किया। डॉक्टर वियर एडम को ब्लड टेस्ट वाली मशीन दिखाते हैं और बोलते हैं, ये हमने इससे किया, ये तुम्हारी आंखों का टेस्ट नहीं था बल्कि ये तुम्हारे दिमाग की रिकॉर्डिंग थी, तुम्हारे जज्बात की, तुम्हारे व्यवहार की हूबहू हमने कॉपी की, फिर हमने तुम्हारा ब्लड सैंपल भी लिया था जिससे हमें तुम्हारा DNA मिला, और जब हमें पता चला कि तुम मारे गए हो तब हमने तुम्हारा हमशक्ल बनाया था। डॉक्टर वियर एडम को माइकल ड्रकर की आखिरी वीडियो फुटेज दिखाते हैं, जिसमें पिट ने हेलीकॉप्टर के अंदर के सभी आदमियों को मार दिया था और जिसमें माइकल ड्रकर भी मारा गया था। डॉक्टर वियर ने माइकल ड्रकर का हमशक्ल बनाया था और फिर माइकल ने ही बताया था कि एडम उसका पायलट था, इसलिए हमने तुम्हारा भी हमशक्ल बनाया, पर बाद में हमें पता चला कि तुमने अपनी जगह हैंक को भेजा था, तो इसके बाद हमें उसका भी हमशक्ल बनाना पड़ा था। माइकल एक अमीर बिजनेसमैन है, इसलिए उसे जान का खतरा बना रहता है। माइकल कई बार पहले भी मर चुका था और हमने उसका हमशक्ल बनाया था, पर यदि सरकार को पता चले कि माइकल मर चुका है और जो उनके सामने है वह उनका हमशक्ल है, एक वैज्ञानिक मानव है, तो उसकी सारी संपत्ति माइकल के हाथ से चली जाएगी, क्योंकि एक वैज्ञानिक इंसान, एक हमशक्ल, कभी संपत्ति का मालिक नहीं ठहराया जा सकता, और मरे हुए आदमी की संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। और ये बात बाहर ना आए इसलिए हमें तुम्हारा भी हमशक्ल बनाना पड़ा, पर तुम उस दिन माइकल के साथ नहीं थे। एडम बोलता है, तो ये लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? डॉक्टर बोलता है, क्योंकि अब 2 माइकल बन चुके थे और इंसान का हमशक्ल बनाना गैरकानूनी है, इसलिए अब तुम माइकल के लिए खतरा बन चुके हो। एडम माइकल के मरने के समय वाली मेमोरी डिस्क लेके वहां से जाने लगता है। तभी डॉक्टर एडम से बोलता है, वो तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। माइकल को तुम दोनों में से किसी एक को मारना पड़ेगा, तुम ना मिले तो वो दूसरे को मार देगा।
और इस बीच तुम्हारा परिवार भी मारा जा सकता है। एडम अपनी फैमिली के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है जो कि स्कूल फंक्शन में थी। मूवी के अगले सीन में हम देख पा रहे थे कि एडम का हमशक्ल और उसकी फैमिली स्कूल में थी, जहाँ से एडम की वाइफ और उसकी बेटी को माइकल के आदमी उठा लेते हैं। उनका पीछा एडम का हमशक्ल भी करता है पर वो नाकामयाब होता है, और उसके बाद वह फोन से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा रहा था और तभी वहाँ असली एडम आ गया था। एडम का हमशक्ल असली एडम को देखकर चौंक गया था और वो बोलता है, तुम कौन हो? असली एडम बोलता है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर मैं एडम गिब्सन हूँ और मैं अपने परिवार को वापस लाना चाहता हूँ। एडम का हमशक्ल बोलता है, वो मेरा परिवार है। ऐसा सुनकर असली एडम उसे मारकर बेहोश कर देता है। मूवी के अगले सीन में हम देख पा रहे थे कि एडम और उसका हमशक्ल प्लान बनाते हैं कि वो अपने परिवार को कैसे वापस लाएंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर वियर माइकल के पास आके बोलते हैं, मेरी बेबी कैथरीन मर चुकी है। माइकल बोलता है, मुझे अफसोस है। डॉक्टर वियर बोलते हैं, झूठ मत बोलो तुम, मुझे पता चल गया कि तुमने ही सभी हमशक्लों के डीएनए में एक बीमारी डाली थी, जो बीमारी मेरी बीबी में भी थी और जो बीमारी जॉनी फिजिक्स में भी थी और दूसरे सभी हमशक्लों में बीमारियां है। तुमने मेरी बीबी के साथ ऐसा क्यों किया? माइकल बोलता है, मैंने ऐसा किया हमारी हिफाजत के लिए। हमारा इरादा तुम्हारी बीबी को चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। बात को समझो, हमारा बनाया हुआ कोई हमशक्ल अगर मुकर जाता है या वो हमें ब्लैकमेल करता है तो ऐसे लोगों को छोटी जिंदगी देकर हमारा उनपे कब्जा रहेगा। जो हमारा साथ देगा हम फिर उसका हमशक्ल बना देंगे। डॉक्टर वियर बोलते हैं, मैं अपनी बीबी से प्यार करता था, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका हमशक्ल नहीं बनाऊंगा। अब मैं उसे वापस नहीं ला सकता, और अगर मैं उसे वापस नहीं ला सकता तो मैं और किसी को भी वापस नहीं लाऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। माइकल बोलता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मैं अपनी दोस्ती को निभाने वाला हूँ और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ऐसा बोलकर माइकल डॉक्टर वियर को गोली से मार देता है। मूवी के अगले सीन में हम देख रहे थे कि एडम अपना हेलीकॉप्टर माइकल के हॉस्पिटल पर लैंड करा रहा था। हेलीपैड का सिक्योरिटी गार्ड एडम को बोलता है, ये प्राइवेट इलाका है सर, आप यहाँ पर नहीं उतर सकते। एडम बोलता है, मैं यहाँ पर मिस्टर माइकल को लेने आया हूँ, उन्होंने ही यहाँ पर मुझे बुलाया है। दूसरी तरफ माइकल के सिक्योरिटी गार्ड हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कैमरा को देखकर बोलते हैं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है सर, आपका हेलीकॉप्टर कितने बजे उड़ान भरेगा? माइकल बोलता है, उड़ान भरेगा नहीं तो? सिक्योरिटी के लोग बताते हैं, पायलट लैंड करा चुका है सर और वो आपके पास ही आ रहा है। माइकल बोलता है, ध्यान से सुनो तुम लोग, मैंने कोई हेलीकॉप्टर नहीं मंगाया, ये पायलट खतरनाक है और उसके पास हथियार भी है। पूरी बिल्डिंग को सील करो और सबको सावधान करो और उस पायलट को ढूंढ कर मेरे पास लाओ। सिक्योरिटी के लोग सिक्योरिटी कैमरा से एडम को ढूंढ लेते हैं पर वहाँ देखते हैं कि एडम एक एक करके सारे सिक्योरिटी कैमरा को तोड़ रहा था। सिक्योरिटी के लोग एडम को पकड़ लेते हैं और वो एडम को पकड़ के माइकल के पास ले जाते हैं। रॉबर्ट माइकल को बताता है, आपकी रिकॉर्डिंग की डिस्क ना इसके पास है और ना इसके हेलीकॉप्टर में है। एडम बोलता है, मैं जानता था कि तुम लोग मुझसे धोखा करोगे, इसलिए मैं वो डिस्क अपने हमशक्ल को दे आया, और अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो तुम्हें वो डिस्क अदालत में मिलेगी। माइकल बोलता है, डॉक्टर वियर ने तुम्हें बताया नहीं? एडम बोलता है, क्या नहीं बताया? माइकल बोलता है, एडम हमशक्ल वो नहीं है, हमशक्ल तुम हो। पर एडम माइकल की बात नहीं मानता। माइकल बोलता है, अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें याद है मेरे आदमी को ब्लड टेस्ट देने के वक्त क्या हुआ था? क्या तुम्हें ये याद है कि कब तुमने अपने दोस्त को अपनी जगह पर हेलीकॉप्टर में भेजा था? वो रिपेट का दुकान वाला तुम्हें देखकर हैरान क्यों था और उसने तुमसे वही सवाल क्यों किए जो उसे तुम्हारे बारे में पता थे? उसे कैसे पता चला कि तुम्हारा कुत्ता मरा था? माइकल बोलता है, तानिया तुम्हें कितनी बार हमशक्ल बनाया गया? तानिया बोलती है, मुझे तो गिनती भी याद नहीं। माइकल बोलता है, ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, दिखाओ उसे। तानिया अपनी आंख को एडम को करीब से दिखाती है जहां पर 4 गोल्डन पॉइंट बने थे। माइकल बोलता है, ये जानने का सिर्फ यही तरीका है, 4 पॉइंट मतलब 4 बार तानिया का हमशक्ल बनाया गया है। एडम भी अपनी आंख को करीब से शीशे में देख रहा था और उसकी आंख में भी उसे 1 पॉइंट नजर आता है, यानी एडम का भी 1 बार हमशक्ल बनाया गया था। तो दोस्तों इस पूरे सीन को देखकर हमें पता चलता है कि हैंक के माइकल को ट्रिप पर ले जाने के बाद से हम जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी देख रहे थे वो असली एडम था ही नहीं, वो खुद एडम का हमशक्ल था। माइकल बोलता है, अब समझे, तुम्हारा परिवार नहीं है, वो उसका परिवार है। अगर एडम ने वो डिस्क पुलिस वालों को दे दी तो हम सब तबाह हो जाएंगे। हमें बताओ एडम कहाँ है, ये लोग मेरी मेमोरी रिकॉर्डिंग डिस्क ले आएंगे और वो एडम को खत्म कर देंगे। 2-3 साल बाद मैं बेशुमार वोटों के साथ जीत कर कानून बदलवा दूंगा और फिर हमें अपनी सभ्यता को बचाने वाले लोगों को खोना नहीं पड़ेगा, फिर चाहे वो मशहूर संगीतकार हो, वैज्ञानिक हो, आखिरकार हम मौत पर जीत हासिल कर लेंगे।
पर एडम का हमशक्ल माइकल की बात को नहीं मानता। तब माइकल के आदमी एडम को ले जाकर मेमोरी कॉपी करने वाली मशीन से सब पता करने की कोशिश करते हैं। एडम के हमशक्ल की मेमोरी को कॉपी कर उसके हमशक्ल की मेमोरी को देखते हैं। माइकल ये सब देख रहा था और वो देखता है कि असली एडम ने अपने हमशक्ल से डिस्क लेकर उसे हेलीकॉप्टर में माइकल के हॉस्पिटल पर भेजा था। पर उसके आगे की मेमोरी प्ले करने पर माइकल को पता चला कि एडम के हमशक्ल के पीछे असली एडम भी बैठा था और माइकल असली एडम को शीशे में देख पा रहा था। माइकल अपने आदमी से बोलता है कि असली एडम यही इस बिल्डिंग में है, इन्होंने हमें धोखा दिया। असली एडम हेलीकॉप्टर में छुपा था और इसने उसे देखा नहीं था, इसलिए इसके दिमाग में उसकी तस्वीर नहीं छपी। रॉबर्ट बोलता है, तो क्या असली एडम इसी बिल्डिंग में है? माइकल बोलता है, हाँ, ये हमें यहाँ पर उलझाने के लिए आए थे। ये यहाँ पर आकर सिक्योरिटी कैमरा पर शूट कर रहा था और इसके पीछे असली एडम भी था, जबकि अब असली एडम अपने बच्चों को ढूंढ रहा होगा। इसी के दूसरे सीन में हम देख पा रहे थे कि असली एडम ऑक्सीजन सिलेंडर में बम लगा रहा था और वो पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद कर देता है। माइकल के पास चेयर पर बेहोश एडम के हमशक्ल को भी होश आ गया था और वो माइकल को मारने के लिए पकड़ता है। तभी विली उस पर गन से शूट करता है जिसकी गोली माइकल को जाकर लगती है और एडम का हमशक्ल माइकल की खिड़की से जम कर गया था। असली एडम अपनी फैमिली के पास पहुंचकर हेलीकॉप्टर से उन्हें सेफ जगह पहुंचाकर अपनी बीवी को बच्ची की नानी के वहां ले जाने को कहता है और फिर एडम हेलीकॉप्टर लेकर अपने हमशक्ल को बचाने निकल गया था। माइकल विली की गन से जख्मी हो चुका था और वो मरने वाला था। माइकल रॉबर्ट की गन लेकर विली को मार देता है जिसने उस पर गोली चलाई थी। फिर माइकल रॉबर्ट को बोलता है, मेरे दिमाग की मेमोरी को कॉपी करो और मेरे लिए एक बॉडी तैयार करो और जल्दी मेरा हमशक्ल तैयार करो। रॉबर्ट माइकल के हमशक्ल बनाने की प्रक्रिया कर रहा था और दूसरी तरफ एडम का हमशक्ल माइकल के आदमियों से बचने के लिए लिक्विड वाले बॉडी टैंक में छुपा था और तानिया उसे ढूंढ रही थी। तानिया को पता चल गया था कि एडम लिक्विड टैंक में छुपा है। तानिया उसे मारने आती है और एडम तानिया का पांव पकड़ के टैंक की तरफ खींचने लगता है। उसी वक्त तानिया की गन से फायर होता है और बुलेट टैंक के ग्लास में लगती है जिससे वाटर टैंक का सारा लिक्विड लैब में आ गया था और जिससे माइकल के हमशक्ल बनाने की प्रक्रिया में भी रुकावट आ गई थी। फिर भी माइकल अपना हमशक्ल बनाने की कोशिश कर रहा था बॉडी में मेमोरी डालकर। माइकल जख्मी था और जल्दी मरने वाला था। दूसरी तरफ एडम तानिया को मार देता है। तभी माइकल का हमशक्ल होश में आ गया था पर वो पूरी तरह से नहीं बना था और वो माइकल के कपड़े लेकर पहनने लगता है। एडम का हमशक्ल भी लैब में पहुंच चुका था और वो गन से लैब को तबाह कर रहा था और वो माइकल और उसके हमशक्ल को लैब में ही छोड़ के जा रहा था क्योंकि उसने पूरी बिल्डिंग में बम लगा रखा था। माइकल का हमशक्ल ऑक्सीजन सिलेंडर के पास जाकर विस्फोट में आग लगा देता है। दूसरी तरफ असली एडम हेलीकॉप्टर से एडम के हमशक्ल को लेने आ गया था। माइकल का हमशक्ल भी बिल्डिंग के ऊपर आ गया था और वो एडम और एडम के हमशक्ल को जाने से रोक रहा था, उन पर गोली चला रहा था। एडम अपने रिमोट वाले हेलीकॉप्टर की मदद से माइकल के हमशक्ल को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और एडम का हमशक्ल बिल्डिंग से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं और पूरी बिल्डिंग में एक बड़ा विस्फोट होता है। मूवी के अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एडम का हमशक्ल एडम से शुक्रिया कह रहा था क्योंकि एडम ने उसको उसकी फैमिली से आखिरी बार मिलने दिया था। एडम का हमशक्ल सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाने वाला था पर वो आखिरी बार एडम के परिवार से मिलने जा रहा था। एडम का हमशक्ल एडम के परिवार से मिलता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।